एक्सटेम्पोर स्पीच कंपटीशन में मेरा विषय है अंतरजातीय विवाह, मतलब इंटर कास्ट मैरिज, जिसे आजकल लव मैरिज के रूप में भी देखा जाता है। इंटर कास्ट मैरिज वैसे एक्सेप्टेबल है ही नहीं हमारे समाज में, लव मैरिज को ही इंटर कास्ट मैरिज का नाम दिया गया है। इस विषय पर मैं इसके वो अंश में पहलू आपसे साझा करना चाहूंगा जिस पर शायद ही आपने कभी सोचा हो या शायद ही आपने कभी सुना हो। आज इसका हर जगह विरोध हो रहा है, मगर हम इस पर बात नहीं करेंगे कि विरोध सही है या गलत। हम बात करेंगे ये विरोध जो हो रहा है क्या वही एक तरीका है अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो। और दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम इसे रोकना क्यों चाहते हैं, जबकि शुरुआत दूसरे प्रश्न से हम करेंगे, हम इसे रोकना क्यों चाहते हैं जबकि हम खुद इसे बढ़ावा दे रहे हैं। आज आप कहीं भी जाइए, किसी भी मंदिर, मस्जिद, मेले, गुरुद्वारे, क्योंकि इंडिया में धार्मिक माहौल ज्यादा है और धर्म गुरु हमें मुख्यतः शिक्षा देते आए हैं, उन्हीं की हम ज्यादातर बातें मानते हैं। और मेरा भी प्रश्न वहीं से, मेरा भी जवाब वहीं से है कि जब धर्म गुरु हमें यही शिक्षा देते हैं कि प्रेम करो, तब अगर कोई एक लड़का किसी लड़की से प्रेम करके अगर दोनों जीवन साथ गुजारना चाहे तब समस्या खड़ी क्यों हो जाती है। धर्म गुरु के बाद दूसरा मुख्य जो मुद्दा आता है वो है फिल्मों से, मीडिया से। मीडिया हमें यही कहता है लव इज एवरीथिंग, लव इज लाइफ एंड डाई फॉर लव, वी कैन डू एनीथिंग फॉर लव। आप सॉन्ग सुनिए, फिल्म देखिए, सब में यही मिलेगा। परिवार बड़े मजे से फिल्म देखता है, आराम से एक फिल्म चलेगी, जैसे हीरोइन घर छोड़ देती है हीरो के चक्कर में, मगर परिवार वाले इसे एक्सेप्ट करते हैं, सारा परिवार मजे से फिल्म देख रहा है, तब वो ये नहीं सोचेगी तेरी लड़की होती तो क्या, तब कहते नहीं ये तो फिल्म में है। लेकिन जब रियल लाइफ में, रियल लाइफ में होता है तब उस पर खाप पंचायतें होती हैं, फतवे जारी होते हैं और अंत में आप परिणाम आप सबके सामने होता है, हत्याएं भी ऑनर किलिंग के नाम पर इसमें हत्याएं हो जाती है। तो आप ये क्यों नहीं सोचते जब सारी कुल मीडिया, सारे धर्म गुरु, जब सारा संसार अगर ये बात सिखाएगा कि आप ये काम करो और कोई आदमी उसे प्रैक्टिकल कर ले तो उसमें दिक्कत क्या है।